रुस्तमे हिंद दारा सिंह की तबीयत बेहद नाजुक है। उन्हें गंभीर हालत में मुंबई के कोकिला बेन अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि उन्हें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, यानी नर्वस सिस्टम की बीमारी है। अगले 48 घंटे दारा सिंह के लिए बेहद जरूरी है। जिंदा दिली किसे कहते हैं, इसकी एक जीती जागती मिसाल है दारा सिंह। उम्र 83 को पार कर चुकी है, लेकिन जब भी दारा सिंह का जिक्र होता है, जहन में सहज ही एक ही शख्स के कई किरदार नजर आने लगते हैं। एक विश्व विजयी पहलवान, एक दमदार अभिनेता। माफी उन बेगुनाहों से मांगना करसन जो ऊपर तेरा इंतजार कर रहे हैं। एक सम्मानजनक सांसद, एक लेखक, एक निर्देशक। लेकिन हर दिल अजीज दारा सिंह रंधावा की तबीयत फिलहाल नासाज हो गई है। वो मुंबई के कोकिला बेन अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं। जी हाँ, खबर हैरान और परेशान करने वाली है, क्योंकि हिंदुस्तान का ये रुस्तम अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा हुआ है। दोपहर 3:30 का वक्त हो रहा था जब दारा सिंह को मुंबई के कोकिला बेन अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ में दारा सिंह के बेटे बिंदु दारा सिंह भी मौजूद थे। अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक अगले 48 घंटे बेहद अहम हैं और दारा सिंह के लिए इस कीमती वक्त को निकालना बेहद जरूरी। जानकारी के मुताबिक दारा सिंह को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम यानी नर्वस सिस्टम की बीमारी है। 7 जुलाई की सुबह से ही दारा सिंह की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई थी, जिसके बाद दोपहर में इन्हें कोकिला बेन अस्पताल लाया गया। हम आपको ये बता दें कि दारा सिंह पिछले 1.5 साल से अपनी बीमारी से जूझ रहे हैं। दारा सिंह को अस्पताल के आईसीयू में दाखिल किया गया है और डॉक्टरों की एक टीम उनका इलाज कर रही है। अभी तो मशीनों पे डाल दिया उन्होंने, यानी वेंटिलेटर, पाइप और ये सब चीजें, इंजेक्शन देके। अब सबकी दुआएं चाहिए, प्रेयर्स चाहिए। 19 नवंबर को दारा सिंह 84 साल के हो जाएंगे और उनके लाखों करोड़ों फैंस यही दुआ कर रहे हैं कि हिंदुस्तान का ये गौरव जल्द से जल्द ठीक होकर अस्पताल से अपने घर का रुख करे। मुंबई से धीरज जुनेजा के साथ आज तक ब्यूरो। हम सीधे आपको लिए चलते हैं मुंबई, जहां से हमारे संवाददाता नयन ज्योति इस वक्त हमारे साथ हैं। नयन, जिस तरह की शख्सियत रही है दारा सिंह की, उस पर ये पता चलना कि एक ऐसी बीमारी है जो लाइलाज है और दिन ब दिन हालत बिगड़ती जा रही है, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? डॉक्टर्स का बस इतना ही कहना है कि आप ही ऑब्जर्वेशन के अंदर रखना पड़ेगा, बाद में पता चलेगा। उनके बेटे से भी जब तक बात की, उन्होंने भी इतना ही बोला कि उन्होंने आशा जताई कि डॉक्टर्स जो चाहेंगे शायद अच्छा करेंगे, लेकिन फिलहाल कहना बहुत मुश्किल है बिकॉज उनकी सेहत काफी नाजुक है। 83 साल की उम्र है उनकी और काफी सालों से उनको नर्व का प्रॉब्लम रहा है, जिसके वजह से वो काफी वीक पड़ते जा रहे थे। फिलहाल ये भी कहना मुश्किल है कि उनको हार्ट अटैक हुआ था या एक्चुअली ब्लड क्लॉट का प्रॉब्लम है, जो कि अभी अभी वेंटिलेशन पे है दारा सिंह साहब। तो अभी और 24 घंटे और 30 घंटे के बाद मालूम पड़ेगा कि क्या एग्जैक्टली, आज का दिन जाने के बाद मालूम पड़ेगा कि क्या इलाज किया जा सकता है, इससे कैसे आगे लेके जाया जा सकता है। जी नयन ज्योति, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।